बाराबंकी में एक शातिर पति ने प्रेमिका से शादी करने और अपने विरोधियों को फंसाने के लिए ऐसी साजिश रची जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। इस शातिर पति ने प्लान बनाकर पहले अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की और फिर अपने विरोधियों के नाम खुद ही केस दर्ज करा दिया। वहीं पुलिस को जब इसकी कहानी पर शक हुआ तो ये बेहद शातिराना ढंग से फरार हो गया। इसने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वहीं जब इस शख्स को पुलिस ने रिमांड पर लिया तो पूछताछ में उसने तोते की अपना गुनाह कबूल कर लिया। असरदा थाना क्षेत्र के रोई गांव के रहने वाले दामोदर नाम के शख्स ने रात करीब 10 बजे पुलिस को अपनी पत्नी की हत्या की सूचना दी थी। बिना काट बटा 9 की रात को लगभग 11-12 बजे के आसपास जनपद बाराबंकी के असरदा थाना क्षेत्र में एक महिला के गोली मारकर हत्या कर आई थी, जिसके संबंध में थाना असरदा पे हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गहन छानबीन एवं तमाम विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मृतका के पति का नाम हत्या के अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आया, जिसने 21 तारीख को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण